नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 252 की बात करते हैं। और हम लोग मिथुन लग्न में सूर्य की बात कर रहे हैं। लग्न के साथ सूर्य का क्या रिलेशन है, सूर्य को किस प्रकृति का ग्रह कहा जाता है, इन सबको हम लोगों ने पहले पाठ में समझ लिया है। इसीलिए आगे के पाठ में हम उसको दोहराना उचित नहीं समझते और हम उम्मीद करते हैं कि पाठ को क्रम से आप पढ़ रहे होंगे तो पाठ आगे समझ में आ जाएगा। अब सूर्य पंचम में स्थित हो तो क्या होगा? अब ये तय बात है कि पंचम उत्तरोत्तर शुभ स्थान है, लेकिन यहां सूर्य किस राशि का है? तुला राशि का है। ये सभी ज्योतिष को दिख जाएगा कि तुला राशि का सूर्य है, अब तो खराब ही बोलो। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि नीच उच्च का परिणाम 3 से 4% ही होता है ज्योतिष में, इससे ज्यादा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। लेकिन सूर्य अशुभ ग्रह है और अशुभ स्थान का स्वामी है। ये दोनों गुण इसके साथ, नैसर्गिक अशुभ ग्रह, अशुभ स्थान के स्वामी, और पंचम योग कार्य स्थान है, अर्थात शुभ से भी थोड़ा अधिक हम शुभ कहते हैं। ऐसे में क्या है कि यहां स्थित होकर के सूर्य इस स्थान की हानि करेंगे। ऐसे जातक अपने आप को बहुत विवेकी समझेंगे, लेकिन बहुत विवेकी हो नहीं सकते। यहां बैठ के सूर्य संतान की हानि करवाता है। पहले संतान का तो 100% नुकसान होता है, संतान होने में भी परेशानी होती है। अब सूर्य यहां स्थित हो तो हमको उच्च शिक्षा लेने में भी दिक्कत करता है। आप स्कॉलर रहे हों अपने एकेडमिक क्षेत्र में, लेकिन जैसे उच्च शिक्षा की बात आएगी, आपसे जो कमजोर पढ़ने वाला था 10वीं 12वीं में, जिसको 80% नंबर था और आपको 95% नंबर था, फिर भी आप पीछे हो जाएंगे। ऐसा हम और आप अपने आसपास देख सकते हैं। तो यहां पंचम में सूर्य की स्थिति पंचम स्थान की हानि बताता है। ऐसे जातक बहुत घुमक्कड़ प्रवृत्ति के भी होते हैं। अब पंचम में स्थित होगा तो सीधी दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर। अब ये पराक्रमी ग्रह हैं, अपने पराक्रम से जीवन को किसी न किसी रूप में सार्थक बना लेंगे, लेकिन लाभ स्थान को प्रभावित ही करेंगे। और लाभ प्रभावित होगा तो लाभ निरंतर नहीं होगा। अब निरंतर लाभ नहीं होने से क्या परेशानी होती है, ये हम आप जानते हैं। शांति से वही जीता है जिसको निरंतर लाभ हो रहा हो, जिसकी अच्छी नौकरी हो, हर महीने पैसा आ रहा हो। और चाहे इंसान के पास कितना भी पैसा हो, यदि कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है, यदि बड़े बड़ा व्यवसायी है, कहीं किसी ऑर्डर पे माल सप्लाई करता है, उसको देखते होंगे कभी 2 महीने बाद पेमेंट, कभी 3 महीने बाद पेमेंट, तो वो परेशान जरूर रहता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सूर्य की लाभ के ऊपर दृष्टि है। और ऐसे में यदि किसी का लाभ से संबंधित प्रश्न आएगा तो हम जरूर कहेंगे कि लाभ निश्चित रूप से आपको रेगुलर वे में नहीं आ पा रहा होगा। अब पंचमेश पंचम में ही है, यही कारण है कि 100% संतान की हानि नहीं करता। यदि पहले संतान का हानि गर्भ में हो जाए या बच्चे के जन्म के बाद उसकी मृत्यु हो जाए, उसके बाद जो संतान होता है वो फिर जीवित रहता और बहुत ही होशियार होता है, इंटेलिजेंट होता है, आगे बढ़ने का सामर्थ्य उसके अंदर होता है। तो हम लोगों को समझना कैसे है और क्या समझना है, इसको जानना है। अब यहां यदि सूर्य काल पुरुष में पंचम का स्वामित्व नहीं रखता तो निश्चित रूप से हम यहां यही कहते कि संतान की हानि करेगा तो लगातार करना। चूंकि इस स्थान का स्वामित्व काल पुरुष में रखता है, इसीलिए ये बाद में संतान जो देते हैं वो हमको यशस्वी और तेजस्वी संतान देते हैं। अब सूर्य यदि छठे स्थान में स्थित हो जाए तो हम सभी जानते हैं छठा स्थान तो इनके लिए प्रिय स्थान हो गया। क्यों? क्योंकि ये अशुभ ग्रह हैं। और छठे स्थान से पराक्रम की बात भी होती है, संघर्ष की बात भी होती है, रोग ऋण और शत्रु की बात भी होती है।
तो रोग का भी शमन मतलब दमन या कह ले रोगों पे नियंत्रण पाने वाला, शत्रुओं का दमन करने वाला, ऋण प्राप्त कर उसको समय पर चुकता करने वाला। अब ये दशम का नवम स्थान है, हम हर पाठ में नहीं बोल पाते लेकिन दशम का नवम स्थान है, इसलिए इस स्थान का अपना महत्व है। तो अपने परिश्रम से अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला, अपने साहस से जिस कंपनी में काम करता हो, जिस सरकार के अंडर में काम करता हो, जिस डिपार्टमेंट में काम करता हो, उसके लिए तरक्की देने वाला, स्वयं की भी तरक्की करेगा और जिसके लिए काम करेगा उसकी भी तरक्की करवाने वाला। लेकिन यहां से यदि मामा का विचार कर लें तो मामा के साथ शत्रुपूर्ण व्यवहार होता है, बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता। अब शत्रुओं से भी शत्रुता करने वाला, और बहुत लोग होते हैं, हम आप होते हैं, बात को बर्दाश्त कर लेते हैं, सोचते हैं कि चलो लड़ाई झगड़े से परहेज कर लेते हैं। ऐसे जातक जिसके छठे में सूर्य हो वो परहेज नहीं करते, वो दमन करते हैं, सूरवीर होते हैं। अब यहाँ से दृष्टि द्वादश पे है तो अच्छा ही है, बहुत बुरा नहीं है, खर्च करने में थोड़े कंजूस हो सकते हैं, अपव्ययी नहीं होंगे। तो हम लोगों को ये देखना है कि ग्रह हर जगह कुछ अनुकूल और कुछ प्रतिकूल प्रभाव देते हैं। क्यों देते हैं हम इसी को दोहरा रहे हैं, और आप जानते हैं कि ये मीन लग्न जाते जाते सारी बातें याद हो जाएंगी, सिर्फ आप लगातार 5-10 मिनट पढ़ते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं, सूर्य सप्तम में हो तो सूर्य सप्तम में स्थित है तो सप्तम की हानि करेंगे या नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि वो अशुभ ग्रह है। अब सप्तम में स्थित है तो लग्न को देखते हैं तो लग्न की हानि होगी कि नहीं होगी, जरूर होगी। अर्थात सप्तम में होकर के भी प्रवृत्त हमारा गुस्सा करने वाला हो सकता है। सप्तम में स्थित होकर के लग्न को देखेंगे तो हमारे सिर में पीड़ा होने की भी संभावना है। अब सप्तम में सूर्य है तो पत्नी या पति के साथ विवाद होने की भी संभावना है। अब समझिए स्थान के अनुसार, ये पराक्रमेश यहां है तो इस स्थान से ये पांचवा स्थान है तो इसको अच्छा कहेंगे, अर्थात इनके पराक्रम की कमी नहीं होगी। ऐसे जातक पराक्रमी होंगे और जो पराक्रमी होते हैं वो दूसरे को अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं। अब काल पुरुष के अनुसार यहां का स्वामी पंचम का स्वामी अपने से तीसरा, संतान अच्छा होगा। संतान के विषय में यदि कोई पूछे जिसके हम तो मिथुन लग्न की भी बात हो या और किसी भी लग्नों की, अगर सूर्य सप्तम में हो तो वो अपने संतान के प्रति बहुत ही उत्तरदायित्व रखने वाला होता है और अपने संतान को भी अपनी तरह ही पराक्रमी बनाने वाला होता है, साहसी बनाने वाला होता है। तो हम लोगों को देखना क्या क्या चीज है पहले ये समझना, और ये अलग से नहीं समझना, यहीं से पता चल जाएगा कि सातवें से देखते क्या क्या है। अब लंबी यात्रा तो होगी लेकिन लंबी यात्रा से कष्ट उठाने वाला, पार्टनरशिप के साथ काम तो करेंगे लेकिन पार्टनर को अपने प्रभाव में रखने का कोशिश करेंगे इसलिए पार्टनरशिप टूट जाएगा। लेकिन हम अकेले सूर्य से सारे परिणाम बता दें ये जरूरी नहीं है, अगर यहां सूर्य के बाद शनि मंगल आदि का भी प्रभाव हो तब तो ये सप्तम का 100% हानि होगा। आगे बढ़ते हैं, सूर्य यदि अष्टम स्थान में स्थित हो तो क्या फल करेगा। अब सूर्य अष्टम में स्थित है तो आयु की हानि करेगा और साथ में धन स्थान को देख रहा है तो धन की भी हानि करेगा, वाणी स्थान को देख रहा है तो वाणी की भी हानि करेगा। स्थित होकर जितना हानि नहीं करता था वो यहां दृष्टि से विशेष हानि कर जाएगा, कुटुंबजनों का विरोधी होगा, कुटुंबों का पोषक नहीं होगा, वाणी कड़वी होगी। तो ये है आठवें में स्थित सूर्य का प्रभाव।
आयु की हानि होगी, अगर और विशेष परेशानी हो लग्न के ऊपर और आयुष्कारक ग्रह यहाँ का शनि भी यदि पीड़ित हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की आयु की हानि होती है और आयु कम होता है। अब बात करते हैं कि ये तृतीय सोकर के छठे में है तो अपने, अब ये भी देख लीजिए, लग्न से अष्टम है, तीसरे से छठा है, तो आठवां कोई भी ग्रह जाए यदि वो आठवें का स्वामी नहीं है तो उसके कारकत्वों की तो हानि होती ही होती है। तब सूर्य के सारे कारकत्वों की हानि, पिता भी कमजोर हो सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य में पीड़ा हो सकती है, सरकार का सहयोग हमें नहीं प्राप्त होगा, सरकार से दंड के भागी हो सकते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त होने में परेशानी हो सकती है, तो जितने भी आप और भी कारकत्वों को अपने व्याख्या से समझिए। हम तो आपको सिर्फ मार्गदर्शन कराना चाह मार्ग देना चाहते हैं। स्वाध्याय में रत होइए और अगर हमारे पाठ को समझते हैं तो आपको स्वाध्याय में बहुत मदद मिलेगा। तो हमने देखा, अब सूर्य को यहां से भी देख लें तो पंचम से ये अष्टम है और इस स्थान से चतुर्थ है, तो पंचम से अष्टम ये भी तो क्षमा चाहेंगे, पंचम से चतुर्थ तो संतान का सुख हमें मिल सकता है, लेकिन यदि पलट के कोई पूछे कि क्या संतान होने में परेशानी होगी तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो बहुत आयामों को, बहुत दृष्टिकोण रखने होते हैं, बहुत सारे सिद्धांतों को समझना होता है। और हम हमेशा कहते हैं हमको तो ज्योतिष का एक भी कुछ भी याद नहीं रहता यदि हम आपसे ईमानदारी के साथ बोलें, लेकिन जब कभी भी हम ज्योतिष को पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं तो अपने आप सब कुछ ज्ञात होता है। अब आप कहेंगे कि ये ऊपर वाले का कोई नहीं, हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि हमने ज्योतिष को रटा ही नहीं, कभी समझने का प्रयास किया है। आपसे भी यही उम्मीद करेंगे, आपको भी अगर हमारा पाठ देखते हो तो कहीं रटने की जरूरत नहीं होगी, एक एक बात को कई एक बार हम दोहराते हैं, लेकिन हर पाठ नया होता है, हर पाठ में नई जानकारी होती है, इसलिए हर पाठ को पढ़ना आपके लिए जरूरी है। और 10-15 मिनट ही तो समय मांगते हैं, और अगर एक दिन में 4 वीडियो भी डाल दिया तो फिर कभी कभी तो 10 दिन नहीं भी डाल पाते हैं। तो औसतन आप 15 मिनट 1 घंटे मैक्सिमम अगर समय देते हैं तो आप अच्छे ज्योतिष हो सकते हैं। कोई परेशानी हो कमेंट कीजिए, फोन पे बात कर सकते हैं। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।